नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। धोनी ने कप्तानी छोड़ी, उधर रैना की भविष्यवाणी सच साबित हो गई। जी हां, वही सुरेश रैना जिन्हें महेंद्र सिंह धोनी ने मेगा ऑक्शन में नहीं खरीदा था, जिसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स और महेंद्र सिंह धोनी की खूब आलोचना हुई थी कि रैना को क्यों नहीं खरीदा, जबकि रैना उनके सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी रहे। लेकिन अब धोनी भी कप्तान नहीं होंगे, ऐसे में उनके साथी रहे सुरेश रैना की भविष्यवाणी सच साबित हो गई है। जी हाँ, सुरेश रैना ने अभी 2 दिन पहले ही बड़ा बयान दिया था और उन्होंने बता दिया था कि कोई नया कप्तान चेन्नई सुपर किंग्स का होगा, और उन्होंने कहा था कि धोनी के बाद 4 ऐसे नाम हैं जो कप्तान बन सकते हैं। 3 नाम उसमें ऐसे थे जिन्हें कप्तानी नहीं मिलनी थी, लेकिन एक नाम ऐसा था जिसे कप्तानी मिलनी थी और वही धोनी की कप्तानी के बाद प्रबल दावेदार भी था। अब रैना की भविष्यवाणी सच हुई है और रविंद्र जडेजा चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान बन गए हैं। रैना ने दरअसल एक बयान में कहा था कि महेंद्र सिंह धोनी के बाद चेन्नई सुपर किंग्स आगे देखेगी और 4 प्लेयर हैं जो कप्तान बन सकते हैं, जिसमें उन्होंने नाम लिया था ऋतुराज गायकवाड़, अम्बांती रायडू, रॉबिन उत्तपा और रविंद्र जडेजा का। हालांकि 3 ऐसे प्लेयर हैं जो कि अब अपने क्रिकेट करियर के आखिरी पड़ाव में हैं। जडेजा ही एक ऐसे ऑप्शन थे जो कप्तान हो सकते थे। अब रैना की भविष्यवाणी सच हुई है और रविंद्र जडेजा बतौर कप्तान तैयार हैं। फिलहाल आईपीएल 2022 में चेन्नई पहला मुकाबला 26 मार्च को केकेआर के खिलाफ खेलने उतरेगी। देखना होगा कि रविंद्र जडेजा बतौर कप्तान अपने पहले मैच में कैसे खेलते हैं और चेन्नई सुपर किंग्स, जो कि अब नए इरा में पहुंच चुकी है, धोनी के बाद जडेजा तैयार हैं, वो किस तरीके से इस टीम को लीड करते हैं। फिलहाल रैना की भविष्यवाणी सच हुई है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।